नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति मंत्र में। दोस्तों, संसार में धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए। इनमें से कुछ अंशावतार थे तो कुछ पूर्ण अवतार थे। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया। श्री कृष्ण का जन्म भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष इस तिथि को दुनिया भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से और संपूर्ण आस्था के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की आराधना सबसे सरल और सीधी मानी गई है, जो सरलता से ही फल देती है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लेकर पौराणिक कथा है कि द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आततायी पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब वासुदेव ने उसे विनय पूर्वक कहा, देवकी के गर्भ से जो संतान होगी, उसे मैं तुम्हारे सामने लाऊंगा। बहन को मारने से क्या लाभ है? कंस ने वासुदेव की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7ों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बिठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय सोचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा कि अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में ले जाओ। उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है, उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती नदी यमुना तुमको पार जाने का मार्ग देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप भगवान कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पहले जैसे बंद हो गए। जब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को पुत्री हुआ है, तो उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा। परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है, अब वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। फिर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा। आपको यह कथा कैसी लगी, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।